दिस इज द किंग। ये जो चिकन टिक्का ना भाई, इस तरह का टिक्का मैंने लाहौर में कभी नहीं खाया। इसके ऊपर जो शवारमा, जो मुर्गी लगी होती है वो, उसमें स्मेल अगर हो तो वो फटाफट पता लग जाएगी। जो तवे पे शवारमा लग रहा होता है उसमें अगर स्मेल भी हो या वो ठंडी मुर्गी भी हो तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि वो मुर्गी जिंदा थी या मरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो। वंस अगेन एक दफ़ा मैं फिर मौजूद हूँ रीगल चौक के अंदर, क्योंकि ये है अली, ठीक है। कैमरे के पीछे जो बंदा आपको नज़र नहीं आता वो ये है, ठीक है, और ये है अली। ही इज़ माई सब तो निक्की खाला था, सब तो निका मुंडा, ठीक है। और इनका कहना ये है, भैन ना मैट्रिक को कज़न डॉक्टर बने, अब्बा जी मैट्रिक हो, अब्बा जी बाहर से आए, किसी को शादी की दावत देनी हो तो इनके पास एक ही स्पॉट है पूरे लाहौर के अंदर, और वो है इमरान टिक्का कॉर्नर। और उन्होंने आज भी पहली दफ़ा बताया ये, इसीलिए रीगल में मैं यहाँ पे आया इमरान टिक्का कॉर्नर पे। यहाँ से इमरान टिक्का कॉर्नर से हम उनकी फिश ट्राई करेंगे, उनके टिक्के जो उनकी, जो भी उनकी स्पेशलिटी वो ट्राई करेंगे। और एक और चीज़ है, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है जीडी शवारमा है, ये लाहौर के अंदर सबसे पुराना शवारमा जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है वो यही है। ये ऑथेंटिक लाइक तहरीरी सॉस बना के शवारमा बनाते हैं, इनसे हम शवारमा ट्राई करेंगे, उसके बाद इमरान टिक्का कॉर्नर पर जाएंगे। तो अभी इसी चलते हैं। ये बिल्कुल सामने हाल रोड है और ये सारा माल रोड इधर को जा रहा है। माल रोड से आप इस तरफ आएंगे ना रीगल सिनेमा की तरफ, तो ये कॉर्नर के ऊपर ये आइसक्रीम बक्स, आइसक्रीम बक्स के बिल्कुल नीचे ये बैठेगा यहाँ पे। अभी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। अच्छा यार, ये आप मुझे बताएंगे आपका कितना पुराना सेटअप है? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे सबसे पहले शवारमा लाहौर में आपने स्टार्ट किया था। जी सर, पक्की बात है ये? तो किसने स्टार्ट किया था? वालिद साहब ने आपके? वालिद साहब ने स्टार्ट। अभी है वो? जी सर। तो कहाँ पे होते हैं वो? वालिद साहब ने आपके? अच्छा, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कितने का आपका शवारमा छोटा? स्मॉल 150 का, लार्ज 180 का। लार्ज 180 का। इसमें आप स्पेशल कोई सॉस डालते ना? सॉस हमस होता है, हमस होता है। ये शवारमा इनका बन रहा है। यार इसमें एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ना शवारमा ग्रिल के ऊपर बन रहा है, ये पीछे हीटर चल रहा है इसके, और ये शवारमा आ गई, इन्होंने पूरी ये ऊपर लगाया हुआ है इसको, और ऐसे इसके ऊपर बना रहे हैं। आमतौर पर जब आप, अब जो शवारमा मिलते हैं लाहौर के अंदर वो सारे के सारे तवे के ऊपर बने होते हैं, हॉट प्लेट बने होते हैं। ये स्टाइल इस टाइम सिर्फ इन्हीं के पास है मेरा, जहाँ तक मुझे लम्हा इस चीज़ का, या कोई अगर कोई ब्रांड होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा वहाँ पर चल रहा होगा, ये स्टाइल इधर ही चल रहा है बस। यहाँ से चिकन ग्रिल हो रहा है, साथ साथ ये कट कट के नीचे आ रहा है, ये चंक्स नीचे पड़े होते हैं, यहाँ से चंक्स उठा उठा के शवारमा में डाल रहे होते हैं। अच्छा, ये आपकी हुमस है स्पेशल? ये हुमस। और ये आ गया सैलेड, सैलेड आ गया, ठीक हो गया। ये गाजरे आ गई, ये आ गया चिकन, ये भी स्पेशल सॉस है, ये चिली सॉस, चिली सॉस है। और ये हुमस आ गया फिर से। लो जी, हमने इनसे स्मॉल शवारमा करवाया, स्मॉल इनका 150 का, और ये मैंने इसके दो पीस करा लिए ऑलरेडी, ठीक है। एक तो इसकी वजह ये कि इस तरह से पिक्चर लो ना तो बड़ा अच्छी आती है पिक्चर। ये मैं टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप, यूं करके ना ऐसे करके शवारमे की दरमियान से सेंटर से हाफ करो, ऐसे करके पिक्चर लो, बड़ी कमाल आएगी। और दूसरी बात यह कि जो आधा मैं खाऊँगा, आधा कैमरे के पीछे जो लड़का अली ये खाएगा, और बाकी हम जाकर पेट भरेंगे इंशाल्लाह अपना इमरान टिक्का कॉर्नर पर, क्योंकि ये बचपन से आ रहा है। तो इसको अभी हम ट्राई कर लेते हैं हाफ को। यार इसके मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा कज़न ससुर का आपने नाम सुना होगा, मुझसे ही सुना होगा, जिसको आपने देखा नहीं आज तक, ये मुझे उसने रिकमेंड किया था कि ये शवारमा अगर मैं खा रहा हूँ तो इसकी रिकमेंडेशन का क्रेडिट गोज़ टू माय कज़न ससुर। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह किसी दिन। अभी इसको ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह ही वाला बरकत है। सबसे जो मज़े की बात है ना वो इनकी सॉस है, जो हुमस इसके अंदर डालते हैं ना, ये वही कमाल है सर। आप हुमस में अंदर ना, इन्होंने सॉस टोटल हुमस नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करके ना हुमस के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन ला के
इन्होंने उसको बनाया हुआ है, और जो चिकन इसके अंदर मसाला लगा हुआ है ना चिकन का यार, वो भी बड़ा कमाल है। ओवरऑल बड़ा पंचिंग फ्लेवर है और बड़ा ही कमाल का। आम लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि हुमस हर बंदे को पसंद नहीं आता, आती व्हाटएवर। अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो अगर आप इसमें चिली डलवाते हैं ना, इसको स्पाइसी करवाते हैं, नॉर्मल स्पाइसी में एक मिर्च डालते हैं, फुल स्पाइसी में दो डालते हैं, लेकिन मिर्च के साथ साथ खटास भी आती है क्योंकि मिर्च जो है मेरे ख्याल वो सिरके में उन्होंने टिपकी होती है ऑलरेडी, उसको अच्छा टाइम लगा हुआ होता, उसकी वजह से ना मिर्च के साथ साथ खटास भी आएगी, मतलब अगर आप जितनी मिर्च ज़्यादा डलवाएंगे उतना आपका शवरमा खट्टा भी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। इसे हमने जो है ना शवरमा खा लिया, एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली ना वो ये मिली कि जो ग्रिल पे जो इस तरह से लगाया होता ना इन्होंने, ये जो टावर सा बनाया होता है इन्होंने, इसके ऊपर जो शवरमा जो मुर्गी लगी होती है वो उसमें स्मेल अगर हो तो वो फटाफट पता लग जाएगी, जो तवे पे शवरमा लग रहा होता है उसमें अगर स्मेल भी हो या वो ठंडी मुर्गी भी हो तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि वो मुर्गी ज़िंदा थी या मरी हुई थी, लेकिन इस तरह जो है पता चल जाता है क्योंकि पूरा पूरा पीस होता है उसी टाइम पे कटता है तो उसमें स्मेल आ जाती है, छोटे छोटे जब चंक्स बन जाते हैं तवे के ऊपर तो उसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये एक छोटी सी टेक्निक यहाँ से पता लगी है, ये जो अंकल यहाँ पर खड़े थे उन्होंने बताई है कैमरे के सामने आने से, उधर ग्रेज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हो गया शवरमा, अभी हम चलते हैं इमरान टिक्का शॉप के ऊपर, देर बहुत हो गई है, जाकर टिक्के खाते हैं। अच्छा जी ये अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ये रोड आ रहा है सामने रीगल वाली साइड से, टेंपल रोड है ये, और ये सीधा आगे जा रहा है सफ़ा वाला चौक की तरफ। इस पर जब आप ये कुजी लीम है इसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आगे आएंगे राइट साइड पे, ये जो लाइट जल रही है ना ये वाली लाइट, ये पॉइंट ये है इमरान टिक्का कॉर्नर, ये इनका सेटअप लगा हुआ, ये बाय कोई स्पेशल बोर्ड नहीं है इनका, लेकिन बस यही है ये इमरान टिक्का कॉर्नर, और ये अंदर इनका फैमिली हॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन, आपका नाम इमरान है? अच्छा जी क्या क्या होता है आपके पास? मछली फिश, अच्छा फिश सरकारी। तो ये नेबलेट लगे हुए हैं इनके पास, ठीक हो गया। और ये साथ क्या लगा हुआ नीचे टिक्का है? ये चिकन टिक्का, ठीक है। और वो कबाब, बीफ कबाब है? अच्छा ये बीफ कबाब लगा हुआ, 60 साल तो तकरीबन 1960 से स्टार्ट आपके वाले साहब ने किया था? दादा ने स्टार्ट किया था। यार ये इनके एंट्रेंस के ऊपर ना लेफ्ट साइड पे सारा इनका ग्रिल का सेटअप लगा हुआ है, ये वाला बारबेक्यू का सेटअप है, यहाँ पे सारे टिक्के शिक्के कबाब बन रहे हैं, और ये सामने से आगे राइट साइड पे ये इनके पास फिश का सेटअप लगा हुआ है। ओए 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 ये ऑयल लगा रहे हैं आप? जो ये फिश निकालने लगे हैं ऐसे करके, वाह अच्छा वो उधर की उधर ही है, सही हो गया। लो जी हमारे सामने ऑर्डर मारा आ गया, ये हमने आधा किलो फिश करवाई थी इनसे, ये फिश चेक करो यार माशाल्लाह इतनी कमाल फिश है ना यार, ये देखो ओए होए होए ये देखो बहुत माशाल्लाह कमाल की फिश है। और ये इसकी उसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना, जब ये बना रहे थे ना इसको उस टाइम इसमें से जो मसाला उसकी जो खुशबू उठ रही थी वही इतनी कमाल थी अभी। और साथ में जो है ना ये हमारे पास बाकी चीज़ें हैं, ये हमारे पास नेबलेट्स हैं, ये चिकन के नेबलेट्स हैं और निबलेट बोलते हैं नेबलेट वटेवर, ये साथ में मलाई बोटी, ये मलाई बोटी है, और साथ में ये चिकन टिक्का है, और ये बीफ का कबाब है, कबाब एक ही करवाना है ज़्यादा नहीं करवाया। ये देखो ये कबाब इतना सॉफ्ट होना चाहिए फिर ही खाना है, काबिल होता है बीफ कबाब, याद रखना मेरी बात। पहले यहाँ से फ़िश उठाते हैं, फ़िश ट्राई करते हैं यहाँ से, ये देखो ये इसमें जो कांटे होते हैं ना मोटे मोटे कांटे होते हैं ये निकाल लेने चाहिए पहले। और जी ये फ़िश है इसको ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतुल्लाह। यार ये जो मसाला है ना यार, इसमें जो ये मसाला लगा हुआ ना यार, ये जो मसाला है ना बड़ा कमाल है यार ये। और ये अंदर से देखो बड़ी कमाल मछली गली हुई है, इसको ट्राई करते हैं, इसकी चटनी के साथ, चटनी साथ मिली है हमें। मछली के साथ चटनी दी इसलिए आती है किस तरह खाओ तो बड़ी मज़े की लगती है, वो लग रही है। जो जी इनका नेबलेट है यार, नेबलेट अच्छा है। ये जो ऊपर मसाला लगा हुआ ना इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है हल्दी ज़्यादा है क्योंकि पिलाहट इसमें आ रही है थोड़ी सी ना, ये देखो। लेकिन वो मसाला इस तरह की, इसकी मैरिनेशन इस तरह की है तो उसमें वो चीज़ वो टेस्ट फ्लेवर में भी वो टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब जायका इसका आ रहा है हल्दी का ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखो ये मलाई बोटी, ये ट्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल उतनी गली हुई है कि जहाँ पर खाई जा सके,
अगर उसको ज़्यादा करा देते ना थोड़ी हार्ड हो जाती है। मलाई बोटी जो है सिर्फ थाई की बनती है, इस वजह से जूसी होती है थोड़ी। ये देखो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और ये जूसी भी इसी वजह से होती है क्योंकि ये सिर्फ थाई के पीस की बनती है। ये इनका चिकन टिक्का है यार, इसको ना रायते में डिप करते हैं, इसको ऐसे रायते में डिप करते हैं। चलो अभी तक मैंने जो जितनी भी चीज़ें खाई हैं ना उसमें चिकन टिक्का ये नंबर वन पे, और फिर इनकी मछली मछली और ये चिकन टिक्का बहुत बहुत लेवल है यार। भाई जान बीफ टिक्का बीफ कबाब ट्राई कर ले, फिर मैं आपको एक बात बताऊँ बड़े मज़े की। ये देखो ये देखो बीफ कबाब ही हो रहा है, ओए होए जूसी को आवे यार। इसको इधर नहलाते हैं थोड़ा सा, नहीं नहीं कराते हैं इसको थोड़ी सी थोड़ी नहीं नहीं करके फिर इसको खा लेते हैं। दिस इज़ द किंग, ये जो चिकन टिक्का है ना भाई, इस तरह का टिक्का मैंने लाहौर में कभी नहीं खाया। मतलब मैंने इस तरह का टिक्का कभी भी नहीं खाया, चिकन टिक्का खास तौर पे कहीं पे भी नहीं खाया इस लेवल का चिकन टिक्का। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये मछली है। ये मछली ये बहुत कमाल है यार, इसका मसाला बहुत कमाल है, और जो इसका टेस्ट है ना अंदर तक हल्की सी इसमें ना बिल्कुल हल्की सी एक माइनस सी स्मेल है मछली की अपनी, लेकिन वो नहीं होगी तो फिर ये मछली नहीं रहेगी, ये कोई भी गोश्त बन जाएगा, बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ है ना ये बीफ कबाब, ये भी बहुत अच्छा कबाब है। अभी तक मुझे जो तीन चीज़ें पसंद आई वो ये तीन चीज़ें हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, इनका चिकन टिक्का भाई खड़का लो आगे, बहुत मज़ेदार चिकन टिक्का। फ़िश भी ट्राई कर लें, फ़िश के पॉइंट्स जो है ना लाहौर में बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉन ऑलरेडी दो तीन नाम है वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और कुछ अब नए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो जो ग्रिल फिश अगर आप खाना चाह रहे हैं ना, ऑयल वाली ना हो, तली हुई ना हो, ग्रिल फिश हो, बारबेक्यू कोयलों में बनी हुई, तो ये पॉइंट भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है ये फिश इनकी यार। ये वीडियो जो है ना मतलब बहुत मज़ा आया, यहाँ पे बैठ के खाना खा के भी बहुत मज़ा आया। यहाँ के बारे में सुना मैंने ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, अब चूँकि थोड़ी सी लोगों में ना बाइंग पावर थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फैमिलीज अभी भी बहुत ज़्यादा, यहाँ फैमिली हॉल भी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं बहुत सूटेबल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मेरा कज़न कैमरे पीछे बेचारा बचपन से इधर ही आ रहा है, तो इस लिहाज से फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के लिए रिकमेंडेड जगह है। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई कर सकते हैं चिकन टिक्का लाजमी ट्राई करें, इनका उनकी फिश ज़रूर ट्राई करें। और अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, चला आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आप मुझे इस पे फॉलो नहीं कर रहे अभी तक तो इस पे फॉलो कर लें, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, वीडियो नहीं होती लेकिन आपको वहाँ से देख के पता चल सकता है कि आपने किस जगह जाना है। अगर आप बहुत लंबी वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और मुझे इजाज़त दीजिए तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।